बैग वैग उठा लो सब कुछ। हाल देखो कमरे का हाल बुरा हाल। तो अब उठाएंगे अपने बैग। आ रहा बैग रखिए और अपनी पैकिंग हो चुकी है। पैकिंग रूम का रील बनाने दो पहले। और ये मत समझिएगा अभी सफर खत्म हो गया है। सफर तो चालू हुआ है, अभी सफर शुरू हुआ है। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। तो आज बात करें आप लोगों से, तो जैसे कि अभी बैग वगैरह सब कुछ पैक हो चुका है, तो अभी हम घर की ओर नहीं जा रहे। हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? हम सरथल जा रहे हैं, जहाँ पर नेटवर्क कुछ नहीं आएगा। सिर्फ वहाँ पर हम रहेंगे 1 से 2 दिन, पर व्लॉग तो शूट कर सकते हैं। तो वहाँ से आने के बाद आपको जो भी व्लॉग बनेगा वो दिखाएंगे। तो अभी खा पी के रेडी हो चुके हैं और गाड़ी में सामान रख रहे हैं। देन इसके बाद अभी निकलेंगे यहाँ से। तो अभी देखें, आप सारे अपनी पैकिंग वैकिंग करके तैयार बैठे हैं और भैया अभी भी बैठे हैं रील चढ़ाने के लिए, क्योंकि कह रहे हैं 2 दिन नेट नहीं रहेगा तो मेरी एंगेजमेंट टूट सकती है, तो मैं रील अपलोड कर लूँ। बड़ी ज़बरदस्त रील आने वाली है। दिखाइए रोज ज़रा इन्हें, थोड़ा सा जलवा दिखाइए रील का। जी, बस इतना काफ़ी है, बाकी आपको अब इनसे इंस्टाग्राम पे जाके देखें, रील ज़बरदस्त बन रखी है। तो हम करते हैं तैयारी निकलने की, अभी थोड़ा सारा कुछ समेटा जाए। तो आपसे मिलते हैं सीधे यहीं से निकलने के बाद। तो पंचर आप देखें, टायर में लग चुके थे कील, तो पंचर अभी लगवाया है। सब कुछ चेक करते हुए चलना चाहिए। कोटा लास्ट ब्लॉग जो आप लोगों ने देखा होगा पदरी वाला, वो उस साइड अपोजिट वाली पहाड़ी पे था। तो जो कल आपको मैं हमने वहाँ से दिखाया था लास्ट ब्लॉग में कि हम अगले दिन वहाँ जा रहे हैं, जो बर्फीला पहाड़ था, तो आज वहीं जा रहे हैं। आज के ब्लॉग कुछ खास ही बनेगा। बर्फ देखिए गाइस, बर्फ। तो गाइस अभी हुआ ऐसा है कि हम आए छत्रकला टॉप पे, जिसकी एलिवेशन आप देखिए 3210 मीटर की है। तो ये पड़ता है पसोली के 5 किलोमीटर में। बात अब ये है कि वहाँ देखिए लैंडस्लाइड हो रखी है, काम चल रहा है। अभी रास्ता क्लियर होगा उसके बाद ही हम जा पाएंगे। जब तक रास्ता क्लियर नहीं होगा पॉसिबल नहीं है गाड़ी निकालना। काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं, 2-3 गाड़ियाँ रुकी हुई हैं। तो इंतज़ार है जल्दी से जल्दी रास्ता क्लियर हो और हम निकले। तो देखते हैं अभी कितना टाइम लगेगा, उनके अप्रोक्सीमेट कहने का मतलब 1 घंटा लग जाएगा। व्यू देखें और यहाँ की हवा देखें आप, बहुत तेज़ हवा चल रही है यहाँ पर। आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी हवा की माइक में। तो ये देखें आप, तो फाइनली रास्ता क्लियर हो चुका है और हम निकलेंगे अब अपने अगले सफर के लिए। हमारा ही है, 5 मिनटों में बटेगा। अब सर्कल ब्लॉक कर रहा हूँ यार,
ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, आधे लोगों की प्रॉपर्टी है। मैं कहता हूँ जो भी इंडिया एक एक बंदा है ना, उसको सर से लाना चाहिए, नेचर का मजा लेना चाहिए। साइन ऑफ विक्रम जी से, स्टे ट्यून ब्रो। ये देखिए आप क्या है ये बताइए ना, सर्थल सर नहीं, डिब्बों में मधुमक्खी वहाँ मधुमक्खी डिब्बे में सर, किसमें डिब्बों में शायद जो इन डिब्बों में, हाँ इनसे शायद बनता है मधुमक्खियों से, इन डिब्बों में। तो फाइनली सर्थल हम पहुंच चुके हैं, तो अभी आप व्यू देखें हर जगह से, एक वन पे हर कोई चीज मिलेगी यहाँ पे आपको, ठीक है जोड़ के? उसका नाम ले सकते, बीप कहाँ पड़ेगा उसके लिए इसमें। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं अपने ठिकाने पे और रूम अपना सेट हो चुका है, हमारा सेटअप बहुत खुश हो, अभी देंगे आपको रूम टूर। फैले हुए बंदे खुले रूम में, रूम बहुत बड़ा, फाइव स्टार रूम है, फाइव स्टार, आइए रूम का फाइव स्टार रूम टूर देंगे, अभी देंगे आपको रूम टूर। अंकल एक मिनट आना, ये है अपना रूम जिसकी विंडो व्यू देंगे अभी आपको, तो ये देखें तो अंकल का, अंकल की तरफ वो करके हमरा। अच्छा आप लोगों अगर सर्तल आना है तो नासिर जी के यहाँ पे आना, यहाँ पे सब कुछ मिलेगा, सारी चीजों का इंतजाम हो जाएगा और बहुत बढ़िया है, सब कुछ हमें सारा इंतजाम करके दिया अंकल ने। नसीर अहमद है अंकल जी का नाम, बहुत ही मदद की इन्होंने हमें, तो आप लोग भी अगर कोई यहाँ पे आना चाहे तो इनके पास आ जाएं, किसी को भी इनका नाम पूछ लें आपको इनके पास ले आएंगे। तो ये है पीछे से रूम का व्यू, ये देखिए पूरे दिन का फैट हो गया पूरा, तो आइए देसी बर्फी खाइए और मोटे हो जाइए, और पीछे आप MBD की सोशल साइंस पढ़िए जो कि मुझे कभी भी पसंद नहीं थी, आपको थी कभी पसंद सोशल साइंस? हो गए पढ़े हुए, पढ़ लो पढ़ाई की बात में पी लो छोटी पढ़ाई। तो यहाँ की मार्केट दिखाएं जरा आपको, तो ये देखिए मार्केट, यहाँ को प्योर बर्फी मिलेगी, प्योर खोए की बर्फी। ये रहे लोहार, तो यहाँ पे हमारे बीच में हलवाई आ चुके हैं, देसी हलवाई मिस्टर, साथ में इनका बीड़ी का पैकेट पड़ा हुआ है, ये देखिए साथ में ये बीड़ी 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 ए बीड़ी तो पहले, ये क्या बना रहे हैं सर आप? खोआ बन रहा है, देसी खोआ। अच्छा इसको क्या करेंगे फिर? इसको भी बर्फी में डालेंगे, बर्फी बनाएंगे। अच्छा अच्छा तो व्यू देखें आप लोग इस समय, यहाँ है पत्थर ही पत्थर, वहाँ है पेड़ ही पेड़, वहाँ है सपाट ही सपाट, और वहाँ है बादल ही बादल, तो जो है ज़्यादा है एक ही जगह है। तो अभी हम जा रहे हैं इस साइड, क्यों? क्योंकि भैया लोग सब लोग वहीं पे जा रखे हैं, तो हम थोड़ा वीडियो स्पेस का इशू बन गया था, तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में लगे हुए थे, तो भी देखिए धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे पानी की आवाज़ आती जाएगी। और एक और चीज़ आप लोग देख रहे होंगे, मैं तब से आपको स्लाइड्स में ही दिख रहा हूँ, हुआ ऐसा है कि हम शूज़ लाना भूल चुके हैं, ए हाँ यही मौत है,
पता नहीं था, सब यही कर रहे, कोई किसी का सगा नहीं है।